तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो रहेगा आज हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ठीक है। आज हम करेंगे ऑस्ट्रेलिया, जो अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है और पैरेलली कंट्री भी है, ठीक। तो हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ज़्यादा कुछ कंट्रीज़ के बारे में बताना नहीं, सिर्फ एक कंट्री के बारे में बताना है, आप लोगों को पता ही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखो, ये आप एक बेसिक रफ मैप बना लेना अपने नोटबुक जो भी अगर आप बना रहे हो। अगर आपके पास ऐसा प्रिंटेड पेज है रुपए का तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। मैं आपको बस बताता रहूँगा इसमें क्या क्या है, ठीक। तो सबसे पहले ये जो आपको डिश दिख रहा है, दिस इज नोन एज गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। पेन काम नहीं कर रहा, सॉरी। यस, अच्छा। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, फिल्म ब्लू, अक्षय कुमार की, अगर आपने देखी होगी तो। आपको कोरल रीफ्स वगैरह में वो देख, शूटिंग है अंडर वाटर, सी अंडर द सी, उसमें वो बहुत ज़्यादा कलरफुल वो रहते हैं स्टोन्स वगैरह, ठीक है। तो वो कहाँ की शूटिंग है? वो नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की शूटिंग है, जो उसी में शूटिंग है, ठीक है। ये जो हमारा, हाँ, ये जो हमारा कैप दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं केप यॉर्क आइलैंड, ठीक। केप यॉर्क प्रायद्वीप कहते हैं इसको, केप यॉर्क प्रायद्वीप, ठीक है। यहाँ पे बाइपा की खान है, जो बॉक्साइट वगैरह के लिए होता है, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे बॉक्साइट यहीं से निकलता है, बाइपा, VIAPA, राइट, ठीक है। तो अच्छा, आपको एक बात बताऊँ, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की, मैक्सिमम पॉपुलेशन रिजाइड करती है ईस्टर्न कोस्ट में इसके, ठीक। वेस्टर्न कोस्ट में इधर आपको एक डेजर्ट एरिया मिलेगा अराउंड दिसली, चार डेजर्ट कवर करता है। नंबर एक आपको ग्रेट विक्टोरिया मिलेगा। एक ट्रिक बता दूँ आपको, कुछ बेसिक सी चीज़ों की, मतलब 100% ट्रू तो नहीं है, बट यस 90% तो होगी। ग्रेट नाम से जितनी भी चीज़ें हैं मोस्टली आपको ऑस्ट्रेलिया की होंगी रिलेटेड, जैसे ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ठीक, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट बेसिन। तो नंबर एक ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, फिर गिब्सन एंड सिम्पसन डेजर्ट है यहाँ पे, सेकंड इधर गिब्सन, GIVSON गिब्सन। यहाँ पे तीसरा हमारा सिम्पसन, SIM सिम्पसन डेजर्ट, ठीक है। और इधर है ग्रेट सैंडी, जो आपको बताया था, SANDY, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ये चार मेन डेजर्ट है यहाँ पे, ठीक। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, इधर एक माउंटेन रेंज भी है, ऐसे ईस्टर्न कोस्ट पे ही है, कोस्ट से थोड़ा सा पहले है। इसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसका नाम, ठीक। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, छोड़ो, आराम से लिख देते हैं, क्यों अपना स्टाइल बनाना है ना। ये जो रेंज है, मैं ऐसे लाइन बना देता हूँ, इस रेंज का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। बैठ कीजिएगा, अभी पेन चल जाएगा। डिवाइडिंग, ओके, या तो ये जो रेंज है इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा मैक्सिमम जो सिटीज हैं आपने नाम सुना होगा, जैसे कि हमारा ब्रिसलैंड हो गया, यहाँ पे ब्रिसलैंड है, ठीक। मैं आपको वो कर दूंगा, सिंबल बना दूंगा, बाकी आप लिख लेना। ब्रिसलैंड हो गया, गोल्ड कोस्ट सुना होगा, ठीक है, गोल्ड कोस्ट भी ईस्टर्न कोस्ट पे ही है। फिर आपका न्यू वेसल इधर ही है, फिर सिडनी यहीं पे है, इसके अलावा कैनबरा, जो कैपिटल हमारे ऑस्ट्रेलिया की, कैनबरा, वो भी यहीं पे है, ठीक। फिर माउंट कॉन्सिक्यो, जैसे कि हर किसी की हमने एक हाईएस्ट पीक देखी थी, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो हाईएस्ट पीक है, दैट इज माउंट कॉन्सियुस्को, कॉन्सियुस्को, ठीक। ये हो गया हमारा, उसके बाद मेलबर्न वगैरह सब यहीं पे आते हैं। पर्थ एक सिटी है जो इधर है मेजर, ठीक, अभी आपको बताऊंगा उसके बारे में। इसका नाम है पर्थ, अभी तो हमारा वर्ल्ड वो भी चल रहा है, वर्ल्ड कप के लिए टेस्ट मैच भी चल रहा है एक्चुअली, ठीक, ओके।
हमारा ये हो गया। यहाँ पे एक क्वींसलैंड स्टेट है बड़ा सा, मेजरली जो इधर का इलाका है वो डेजर्ट में ही है इसके, क्योंकि इधर से वो उठती हैं हवाएं और इधर ये ग्रेट डिवाइडिंग नीचे टकरा के बरस जाती हैं, और इधर इधर ही वो ज़्यादा बारिश होती है, रेस्ट पोर्शन में कम बारिश होती है। ये क्वींसलैंड स्टेट है, ठीक है। इसके अलावा ये विक्टोरिया स्टेट है इधर वाला, हमारे ज़्यादा जानना नहीं जरूरत नहीं है, ठीक। ये हमारा हो गया मेजर इस बारे में, ठीक। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, उसके लिए मैं एक नया पेज खोल लेता हूँ। एक एक रिवर है इसमें इम्पोर्टेंट, सॉरी इसमें एक रिवर है यहाँ पे, देखो जैसे रिवर निकल के आ रही है, बहुत सारी रिवर है। तो मेजर जो रिवर है उसका यहाँ पे ये वाली जो है ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट याद रखना है ये वाली रिवर। इसका नाम है डार्लिंग, क्या नाम है? डार्लिंग। अच्छा न्यूजीलैंड याद रखना, न्यूजीलैंड इधर ही है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे इधर न्यूजीलैंड है, आइलैंड पे। अरे मुझे आज तक मतलब आज तक तो है, अब तो पता लग गया, पहले एक टाइम था मुझे पता नहीं था न्यूजीलैंड है कहाँ पे यार। आई वॉज थिंकिंग कि ये कहीं अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट वगैरह में, वहाँ के न्यूजीलैंड, या फिर मेरे को अफ्रीका में लगता था, बट पता नहीं। खैर इस रिवर का नाम है डार्लिंग, ठीक। और जब ये यहाँ पे एक रिवर ऐसा के मिलती है तो यहाँ पे इसका नाम हो जाता है मरे, मुर्रे, बोल दो मरे बोल दो एनीथिंग। तो ये डार्लिंग है, ये मरे रिवर है, ठीक, बस इसका ही है। तो ये जो रिवर है इससे यहाँ पे एक ग्रासलैंड्स बन जाते हैं, उनको कहते हैं DOWNS, डाउन्स, ठीक है। इसके अलावा देखो जैसे इधर मेजर सिटीज इधर है, ठीक है, इवन कैपिटल भी यहाँ पे है कैनबरा। तो एक हमारा एक रूट बना दिया गया है, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम चीज़ें इधर डेजर्ट में या फिर इधर खान वगैरह हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो एक रेल मार्ग बना दिया गया है, इसको आपने सुना होगा ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ठीक है, वो जनरली ये रूट है, ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, इसको कहते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ठीक है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल, ठीक है, ये हो गया। हाँ यहाँ पे एक आयर लेक भी है यहाँ पे, अगर आप देखोगे इस लेक का नाम है आयर, IYER बोल सकते हो, हिंदी में आयर बोल सकते हो, आयर झील, आयर लेक, ठीक है। यहाँ पे डाउन्स लैंड है आपको पता है, ठीक है। ये हमारा आता है ग्रेट आर्टिजन बेसिन, मैंने बोला ना ग्रेट से मेजर चीजें यहीं पे होंगी, ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ठीक है। ये एक जो लैंड है इसका नाम है अरनाहम, ARNAHM, बेसिक बता रहा हूँ आपको, ज्यादा जरूरत नहीं कितना हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। एक यहाँ पे माउंट ईसा है, ISA ईसा, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे सीसा जस्ता तांबा वगैरह मिलता है, चांदी वगैरह, ठीक है। मे बी इस रिवर का नाम मरे है, ये डार्लिंग है, ये दोनों मिलके मरे डार्लिंग बनाती है, ऐसा कुछ है। ये हो गया हमारा, तो यही था हमारा मेजर। बाकी यहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है, जो 23.5 डिग्री है, 23 ऑफ कैप्रिक साउथ में मकर रेखा इसको कहते हैं, वहीं से निकलती है। आपको बताऊंगा इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो ठीक है ये हमारा हो गया खत्म, ज़्यादा टाइम है नहीं। एक रेवरीना, एक वो एक टर्म होता है रेवरीना, RVERINA, रेवरीना एक टर्म है जो कहाँ के लिए यूज होता है, जो फर्टाइल लैंड होती है, जैसे रिवर्स है यहाँ पे फर्टाइल लैंड लैंड होगी, ठीक है, तो उस फर्टाइल लैंड को नाम, उसको ही जो फर्टाइल लैंड होती है उसको कहते हैं रेवरीना, ठीक, फर्टाइल लैंड।
जो नदी रिवर बेसिन के आसपास में जो फर्टाइल लैंड है उसको बोलते हैं रेवरना। तो ठीक है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया था, खत्म हो गया। इसके बाद आई डोंट थिंक कि कुछ और बचा है। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात करेंगे और इंग्लिश की बात शुरू करेंगे, ठीक है? सो स्टे ट्यून, आगे देखते हैं यार, अब करेंगे इंपॉर्टेंट चीजें। ये बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन जो भी था वर्ल्ड ज्योग्राफी का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल जो मैं एक चलाऊंगा उसका एक अलग प्लेलिस्ट रहेगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कवर कराऊंगा। जो CDS एंड CAPF के PYQ अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम विल गेट दीज थिंग्स। सो विल कवर बोथ दीज ऑल ऑफ द थिंग्स इन द कमिंग वीडियोज। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद एंड गुड नाइट।